मेरे चैनल पे एक वार्निंग और चार स्ट्राइक मिली थी। जब एक वार्निंग और चार स्ट्राइक मिली तो हमने उनकी इल्तजा नहीं की, ना उनकी मिन्नत समाजत की। ये वो हमसे कहते थे कि आप एक हफ्ता हो गया आप वीडियो अपलोड करें, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करते थे। अच्छा अच्छा जी पहले। जी अच्छा। जी अब हम उस दौर में दाखिल हो गए जहां हमें बगैर बताए वार्निंग दी जाती है। हमने कहा आपकी आपने जो हमें स्ट्राइक दी है तो वो हमें आप बताएं, हमारी वीडियो है, हम पूछने का पूरा हक रखते हैं, हम आपके नौकर नहीं हैं, एम्प्लॉयज नहीं हैं, हम आपके होस्ट पार्टनर हैं। हमें स्ट्राइक देता है वो इंटरनल टीम देती है, तो ये उनके मामलात हैं। हमारे मामलात तो ये हैं कि जैसे हमने वीडियो अपलोड की 24 घंटे के अंदर अंदर हमें स्ट्राइक देना चाहिए था, ठीक है ना। यही कहा मैंने, कहा देखिए आपने कईयों के चैनल उड़ा दिए, क्या वो दुनिया से फारिग हो गए? फारिग हो गए। मैंने कहा वो ट्रैफिक फेसबुक में चला गया, मैंने कहा आप सबके उड़ा दें, और जो वायलेशन है उठा पटक मारपीट चोरी चक्कू गाली धमकी पॉलिसी पे अमल, हाँ वायलेशन नफरत जुदा बयान ये ना दें, बिल्कुल प्यार मोहब्बत फैलाएं, इसमें आपको सब सपोर्ट करेंगे। पॉलिसी में तरमीम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब उन्होंने मुझे ईमेल भी भेजी कि अब डायरेक्ट जो हम डिलीट करते थे अब हम आपको पूरा सुनेंगे, अब हमें मौका दिया जा रहा है और लॉन्च करें कि मेरा भी यूट्यूब मुतासिर हुआ है, वो इंशाल्लाह कम बैक ज़रूर होगा। ये तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लालू खेत बर्ड्स मार्केट में, जमशेद आसमी साहब माशाल्लाह से काफ़ी ब्राइट मैं समझता हूँ यूट्यूबर हैं और हमारे लिए माशाल्लाह राह हैं, तो इतनी अच्छी जो है वीडियो कवर करके दिखाते हैं। काफ़ी साल की मेहनत को पानी फेरने की कोशिश की यूट्यूब ने, और यूट्यूब को जब उन्होंने स्ट्राइक दी जमशेद भाई को, तो हम सब ने इनसे पूछा, कंडोलेंस किया, ये क्या वजह हुई, तो जमशेद भाई ने हमसे बड़ी तफसीली बात की, तो आज हम तमाम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं जमशेद आसमी की साहब की इतनी सारी इतने सालों की मेहनत क्यों इस तरीके से यूट्यूब ज़ाया कर रहा है। तो जमशेद आसमी ने बताया कि भाई जमशेद आसमी साहब ने बताया कि हमने आपके लिए लड़ाई की है और ये जो है कंक्लूजन निकला है कि अब यूट्यूब बगैर किसी को वार्निंग यानी जो देता है बताए नहीं देगा, आपकी पहले रुदात सुनेगा। तो जमशेद भाई की ये तमाम जो है बातें सुनिएगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। अब आइए इनसे बात कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे साथ जमशेद भाई मौजूद हैं और उधम कवरेज करते हैं, सही है ये समझें। अभी हमारी लालू खेत बर्ड्स मार्केट की ये टीम जो है ना काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जमशेद भाई से मार्केट के हालात पूछ लेंगे, क्या क्या चल रहे हैं। अच्छा जमशेद भाई बताएं मार्केट के हवाले से क्या हिसाब किताब चल रहा है। मार्केट के हवाले से ये कि मार्केट अच्छी लग रही है, नो डाउट मार्केट में बायर भी आ रहे हैं, सप्लायर भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, तो सेलर जो आ रहे हैं वो बेचारे बर्ड लेकर आ रहे हैं। अभी हमने एक से पूछा, बेचारे तीन हफ्ते से वही चीज़ ला रहे हैं, क्योंकि परिंदों की प्राइस भी ऊपर गई है और महंगाई भी बढ़ी है जो अफेक्ट करी, वरना आज महीने का मेरा ख्याल है 4वीं तारीख है और ये स्टार्टिंग हो जाती है ख़रीदारी, लेकिन अभी तक ख़रीदारी स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी मिली जुली तो हो रही है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही जैसे पहले हुआ करती थी, तो इसलिए थोड़े से सेलर परेशान हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएगा उनके लिए और हम आप कवरेज करते रहते हैं और अपने व्यूअरों के लिए घर बैठे उनको प्राइस का भी इंतज़ाम करते हैं, बर्ड भी दिखाते हैं कि कौन कौन से बर्ड आए थे, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है और अब ये कब तक चलेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा आपका चैनल का क्या बताएं, क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा? देखिए मेरे चैनल पे एक वार्निंग और चार स्ट्राइक मिली थी। जब एक वार्निंग और चार स्ट्राइक मिली तो हमने उनकी इल्तजा नहीं की, ना उनकी मिन्नत समाजत की। हमने कहा आपकी आपने जो हमें स्ट्राइक दी है तो वो हमें आप बताएं, हमारी वीडियो है, हम पूछने का पूरा हक रखते हैं, हम आपके नौकर नहीं हैं, एम्प्लॉयज नहीं हैं, हम आपके होस्ट पार्टनर हैं और हमें पूरा इख्तियार है आपसे मालूम करने का कि हमने वायलेशन कहाँ की। तो उस पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, तो उन्होंने फिर मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन दी, जो हमसे बात करता है वो एक्सटर्नल टीम होती है और जो हमें स्ट्राइक देता है वो इंटरनल टीम देती है, तो ये उनके मामलात हैं। हमारे मामलात तो ये हैं कि जैसे हमने वीडियो अपलोड की 24 घंटे के अंदर अंदर हमें स्ट्राइक देना चाहिए था, ठीक है ना। हमारा काम है वीडियो कवर किया, वीडियो कवर करने के बाद उसकी एडिटिंग की, कंपाइल निकाला, अपलोड किया, पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप हमें स्ट्राइक देते हो तो हमें समझ में आती है कि हमने मिस्टेक कहाँ की। अब 8 महीने पुराने आप क्या कर रहे थे, ये तो टोटल उनकी यूट्यूब वालों की नाली कि वो 8 महीने
तक क्या करती रही और क्या उनकी कारकर्दगी नाकिस कारकर्दगी। 8 महीने के बाद अगर दे रहे हैं तो बहुत सारे भाइयों के चैनल उड़ गए, रात को सोए सुबह उठे चैनल डिलीट, क्यों? पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, उनके चैनल उड़ते रहे। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने ऐट द टाइम 3 वीडियो पे स्ट्राइक दी और उनका एक मैसेज दे दिया कि जना मैसेज देने का तो खैर कोई चांस ही नहीं होता, जीमेल भी उड़ जाती है, तो वो जब रब्ता करते हैं तो कहते हैं कि नहीं जनाब डेंजरस वायलेशन में आ गई थी आपकी। तो अगर ये यूट्यूब इस तरह करती रहेगी तो मेरा ख्याल है इसका खसारा यूट्यूब को ही होगा, सारे फेसबुक में चले जाएंगे और ये सारी जितनी भी ट्रैफिक है फेसबुक में चली जाएगी। यूट्यूब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक है हमारा चैनल ख़त्म करता है सर आँखों पे बिस्मिल्लाह, हमने तो अनाउंस भी कर दिया कर दें, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं फेसबुक में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यूट्यूब का ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा। तो इसके मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, मैंने सबके लिए लड़ाई लड़ी है कि यार एक बंदा है आप नुसरत शाह साहब ने एक वीडियो बनाई, 8 महीने में 3 वीडियो में स्ट्राइक लग गई और नुसरत शाह साहब को पता भी नहीं है कि यार शाह नुसरत साहब सोच रहे हैं कि यार उड़ी क्यों। तो ये जो उनका एक समझ लें कि गैर कानूनी अमल था उसके लिए हमने फाइट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा सबको हो। अब वो पॉलिसी में तरमीम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब उन्होंने मुझे ईमेल भी भेजी कि अब डायरेक्ट जो हम डिलीट करते थे अब हम आपको पूरा सुनेंगे, अब हमें मौका दिया जा रहा है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरी आ रही है, इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना के डालूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई, आपने हम तमाम यूट्यूबर्स की एक मदावा किया है यूट्यूब पर आकर और ये लोगों के लिए फ़ाइट किए, ना सिर्फ आपने अपने लिए की बल्कि तमाम यूट्यूबर्स के लिए की, के बग़ैर बताए वो वार्निंग दिए और आपकी स्ट्राइक दे चुका और इतने साल की मेहनत, ये देख रहे हैं आप ये इक्विपमेंट, ये लाखों रुपए के इक्विपमेंट है। हम लोग तो जो भाई छोटे मोटे जो है मोबाइल से वीडियो बना लेते, लेकिन जमशेद भाई ने एक बहुत सारा वक्त लगाया, इक्विपमेंट पे पैसा खर्च किया। इनका ये भी कहना था यूट्यूब से इतनी कोई ख़ास इनकमिंग है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अवामुन्नास पूरी दुनिया में देखे जाने वालों को इंटरटेन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इंटरटेनमेंट दे रहे हैं कि भाई आप देखें क्या हालात हैं कराची के, क्या मामला है, हर मौजू पे वीडियो बनाते हैं। तो जमशेद भाई मैं तो शायद आपके लिए वो कुछ ना कह सका जिसका आपको शायद हक हो उस पर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए सबके लिए स्ट्रगल किया। जजाक अल्लाह, कहेंगे आप इस बारे में? जजाक अल्लाह, मैं उन यूट्यूबरों को जिनका चैनल डिलीट हो चुका है और यूट्यूब ने वो रात को सोए और सुबह उनको डिलीट मिला है, आप ट्विटर यूट्यूब सपोर्ट टीम को ज़रूर लिखें और लॉन्च करें कि मेरा भी यूट्यूब मुतासिर हुआ है, वो इंशाल्लाह कमबैक ज़रूर होगा, ये मेरी अल्लाह से पूरी उम्मीद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना, वो सारे कमबैक करेंगे, वो वीडियो जितने उन पर वायलेशन आई हुई थी या कुछ वजह थी वो यूट्यूब की ताखिर की वजह कर आपकी गलती नहीं थी, उनकी गलती थी, तो इस बात को मैंने कन्वेंस किया उनको, तो बेहतर ये है कि आप डिसार्ड ना हो और जो वायलेशन है उठा पटक मारपीट चोरी चक्कू गाली धमकी पॉलिसी पे अमल, हाँ वायलेशन नफरत जुदा बयानात ये ना दें, बिल्कुल प्यार मोहब्बत फैलाएं, इसमें आपको सब सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक मैं बात कहना चाहूँगा, हमने तो जमशेद आसमी साहब से बहुत कुछ सीखा है, YouTube की जो पॉलिसीज़ होती हैं शुरू में जो बनी हुई थी वो अलग थी और अब जो बन रही हैं जमशेद भाई मैं सही कह रहा हूँ कि वो एक तरमीम कर रहे हैं उसमें और वो जो पिछली पॉलिसीज़ थे उस पर तरमीम होके नया ऑर्डिनेंस आया उनका, तो उस पर जो काम हुआ है आम लोगों को नहीं पता था, चैनल डिलीट हो गए, तो कम से कम YouTube को ये चाहिए कि भाई आपको सबसे पहले बताएं, ईमेल करें कि भाई ये चीज़ हो गई है अब आप इसको बैक करें वरना हम आपके साथ ये करेंगे, है ना जमशेद भाई यही तरीका? हाँ, मैंने यही कहा, मैंने कहा देखिए आपने कईयों के चैनल उड़ा दिए, क्या वो दुनिया से फारिग हो गए? मैंने कहा वो ट्रैफिक फेसबुक में चला गया, मैंने कहा आप सबसे उड़ा दें। जब देखें स्टार्टिंग में 2009 में जब हम वीडियो बनाते थे ना तो उस वक्त जो है रिसोर्सेज नहीं होते थे अपना, तो उस वक्त क्योंकि बहुत कम वीडियो अपलोडिंग होती थी तो वो हमें मैसेज करते थे कि एक हफ्ता हो गया आपने वीडियो पब्लिश नहीं की, एक वो ज़माने से हम गुजरते हुए आ रहे हैं कि वो हमसे कहते थे कि आप एक हफ्ता हो गया आप वीडियो अपलोड करें, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करते थे। अच्छा अच्छा जी। अब हम उस दौर में दाखिल हो गए जहाँ हमें बगैर बताए वार्निंग दी जाती है, तो अब क्यों कि उनका अपना ऑटोमेटिक सिस्टम जो है एल्गोरियम सिस्टम वो नाकाम हो गया है, हर सेकंड पे कई लाख वीडियो अपलोड हो रही होती हैं, तो ये उनका मसला था ना, उनको सोचना चाहिए था कि हमारा एल्गोरियम सिस्टम फेल भी हो सकता है।
सही सही, ठीक है ना। तो बहरहाल सबसे बड़ी जो फतह हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम ये गलत अमल करते रहे हैं, अच्छा। लोगों के चैनल उड़ाते रहे, बताया उन्होंने ईमेल, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उनके जितने भी ईमेल आए हैं ना, और उन्होंने तो मुझे कहा सजेशन दें आप हमें, हमारी पॉलिसी से भी मुतालिक सजेशन दें। तो मैंने उनसे कहा एक वार्निंग चार स्ट्राइक मैं हासिल कर चुका हूँ, उसके बाद भी आप मुझसे सजेशन मांग रहे हैं। अच्छा, अरे ये तो अजीब सी बात है। तो वो भी आपके कहने पे जमशेद भाई, जब आपने कहा कि भाई ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, मैं तो आपकी ये चीज़ जो है इस पर वो करूँगा। और दूसरी बात आवाज़ उठाऊँगा। और सबसे कमाल की बात ये है कि मैं चार आदमियों ने एक ही जगह मुर्गे सेटअप की वीडियो बनाई, चार आदमियों ने एक ही सेटअप, सेम जगह सेम प्लेस, उसमें मुझे स्ट्राइक मिली। अच्छा, मैंने वो तीन का लिंक दिया, मैंने कहा इन्होंने सेम जगह वही बट उस पर स्ट्राइक नहीं मिली, आपने मुझे किन बुनियादों पे स्ट्राइक दी। एक तो वहाँ वो गिर गए। अच्छा, उनको नहीं मिली। हाँ, उन्होंने फिर मुझसे अपोलोजाइज किया, सॉरी नहीं किया, अपोलोजाइज किया, माजरत चाहिए, ठीक है ना। नहीं, सॉरी माजरत होता है, अपोलोजाइज किया उन्होंने। सही है। अब जब अपोलोजाइज किया तो मैंने कहा यार ये तो, अब उन्होंने देखा, हमने उनको आईना दिखाया ना, आईना दिखाने के बाद जो बातें की तो उनकी समझ में आ गई कि नहीं ये गलत हो रहा है। अच्छा, हमारी जीत वही होती चाहे हमारा चैनल रहे या उड़े, हमारे व्यूअरों की दुआएं हैं, ठीक है ना। हम अपने मकसद में कामयाब, लोगों की भला कर रहे हैं, ठीक है ना। अब लोगों का भलाई हो रही है, जितने भी, फिर मैं एक दफ़ा रिपीट करूंगा कि जितने लोगों के चैनल उड़े हैं वो ट्विटर सपोर्ट टीम को बताएं, अपना URL दें और कहें विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल डिलीट किए गए हैं, एक प्रेशर डालें, खुदा के लिए डालें, ठीक है ना। तो आप लोग कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं यूट्यूब के हवाले से। अच्छा जमशेद भाई, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप मोस्ट सीनियर हैं, आप शायद इस बारे में बता सकेंगे, लालू खेत बर्ड्स मार्केट की परिंदों की वीडियो बनाने पे भी क्या कोई आगे मुस्तकबिल में हमें खतरात का सामना करना पड़ेगा? ये थोड़ा आगाही दें, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि यार हो सकता है लालू खेत बर्ड्स मार्केट की वीडियो बनाने की वजह से हमारे चैनल उड़ा दिए जाएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी हमारे। देखें, बर्ड्स का कारोबार पूरी दुनिया में चल रहा है, मैं ख़ास करके वो जो अपना नहीं है दुबई की मार्केट, जो भी लोग दुबई की मार्केट कवरेज कर रहे होते हैं तो मैं उनको देख रहा होता हूँ। तो आप उस दुबई वाली मार्केट को देखें, उससे आपको काफ़ी सूझबूझ हासिल हो जाएगी। अच्छा, हाँ, वन बाई वन दिखा रहे होते हैं, खरीदो फरोख्त हो, हाँ, वन बाई वन दिखा रहे होते हैं। अगर वो कहीं भरा हुआ भी दिखा रहे हो तो ओपन दिखा रहे होते हैं, केजेस में नहीं दिखा रहे। अच्छा, हमें केजेस से निकालना, हमें केजेस को नहीं कवर करना। अच्छा, केजेस को नहीं करना हमें, जैसे हम जाते हैं ना, हाँ भाई आज का रेट क्या है जाल वालों का, जाल के अंदर भरे हुए परिंदे, ये आप दिखाएंगे तो आप स्ट्राइक वायलेशन में आएंगे। हाँ, वायलेशन में आ जाएंगे, आपको स्ट्राइक मिल सकती है। वैसे देखा जाए हमारा लालू खेत बर्ड मार्केट का शुरू से ही वतीरा है, आम बंदा तो ये बात नहीं मानेगा जमशेद भाई, और ज़्यादातर वही लोग तो आते हैं बर्ड्स बेचने। अगर नहीं मानेगा ना तो अपना चैनल से हाथ धोएगा, ना माने। हाँ, ये बात भी है, देखे ना, वक्त तो हर चीज़ मनवा देता है। मैंने शुरू से जब देखा ना, मैंने जाल को क्यों नहीं कवर किया, सही है। आप मेरी एक वीडियो में बता दें कि मैं जाल वाले के पास गया हूँ, क्योंकि वहाँ वायलेशन हो रही है, कॉकटेल एक में ठूते हुए हैं और उसमें एक में ठूते हुए हैं, मैंने उस चीज़ को देखा कि वायलेशन में आ रहे हैं, मैंने जाल को कवर ही नहीं किया। जाल के रेट देने आपसे दिलवा दूंगा, किसी और से दिलवा दूंगा। सही, हाँ। तो ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जमशेद भाई ने आपको मोटिवेशनल वीडियो बना के दिखाई है और आपको बताया भी क्या तरीका, क्या मेथड है, चैनल क्यों उड़ रहे हैं और इनको स्ट्राइक जो मिली इसके बारे में तफसीलात दी। हम जमशेद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, जमशेद भाई इजाज़त ले लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।